जैसा कि मैंने पहले बताया, बात प्रियंका गांधी की, क्योंकि चौथे और पांचवें चरण में मतदान रायबरेली और अमेठी की सीटों पर होना है। इसीलिए तीसरे चरण यानी परसों जो मतदान होने वाला है उसके ठीक पहले आज के दिन पहली बार प्रियंका गांधी इस चुनावी सरगर्मियों के बीच में सामने आती है। रायबरेली और अमेठी को कांग्रेस पार्टी खासकर गांधी परिवार का गढ़ बताया गया है। यहां मतदान से पहले आज कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल गांधी अपने भाई के साथ प्रचार में उतर आई। रायबरेली सदर में मंच पर खामोश रहने वाली प्रियंका ने बछरावा में जनसभा को संबोधित कर ही दिया। प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी के बाहरी होने को बड़ा मुद्दा बनाया, नोटबंदी पर भी सवाल उठाए और केंद्र सरकार के वादों पर चोट करने की कोशिश की। प्रियंका के पीएम मोदी पर सीधे वार के बाद हम कुछ सवाल उनसे पूछना चाहेंगे। सवाल नंबर एक कि क्या समाजवादी पार्टी की खामियों को ढकने के लिए प्रियंका ने पीएम को निशाना बनाया है, क्योंकि यह विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का नहीं। सवाल नंबर दो कि क्या प्रियंका पीएम मोदी पर सीधे वार कर कांग्रेस का प्रदर्शन सुधार पाएंगी। सवाल नंबर तीन कि क्या कांग्रेस की कमजोरी छिपाने के लिए प्रियंका ने पीएम मोदी पर सीधा वार किया है। सवाल नंबर चार कि क्या सीधे पीएम पर वार कर प्रियंका अपना खुद का कद बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। और सवाल नंबर पांच कि क्या भाई राहुल की नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए प्रियंका ने किया है पीएम मोदी पर यह सीधा हमला। इन सवालों पर बड़े पैनल के साथ बड़ी बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, प्रियंका को शंका, किसका बचाएं डंका। अगर किसी बहन, किसी को बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ का जिक्र करते हैं, क्यों? मैं आप सब की तरफ से उनको कहना चाहती हूँ, इस देश की करोड़ों महिलाओं की तरफ से कहना चाहती हूँ कि मैं औरत हूँ, आप औरत हैं। विधानसभा चुनावों में जब प्रियंका पहली बार प्रचार के लिए रायबरेली पहुंची तो लोगों का हुजूम था, साथ में भाई राहुल थे और स्वागत का वही पुराना तरीका था। बदला था तो मंच पर लगा बैनर, जिसके एक छोर पर राहुल के साथ अखिलेश थे तो दूसरे छोर पर प्रियंका के साथ डिंपल। नए मेल की नई दास्ता, यूपी की सत्ता के लिए नया गठबंधन। लेकिन राहुल और प्रियंका की एक साथ हुई पहली जनसभा के लिए समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं था। यहाँ राहुल बोले, हर बार की तरह उनके निशाने पर पीएम मोदी थी, लेकिन चुनावी मंच पर आने के बावजूद बहन प्रियंका बिना बोले चली गईं। कयासों का दौर शुरू हो गया, लेकिन कुछ मिनट बाद बछरावा में अटकलें खत्म हो गईं। यहाँ प्रियंका ने पीएम मोदी पर सीधा वार किया। मैं एक बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ, तो मेरे मन में ये बात आई, क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को वोट लेने की जरूरत है? क्या यहाँ कोई नौजवान नहीं है? हम तो ये पूछना चाहेंगे, अगर मोदी जी बाहरी हैं, तो क्या सोनिया गांधी जी इटालियन और राहुल गांधी जिनका रूट इटली में है, या प्रियंका गांधी जिनका रूट इटली में है, क्या वो बाहरी नहीं है? कांग्रेस की स्टार प्रचारकों में शुमार प्रियंका ने वाराणसी के सांसद के बाहरी होने के मुद्दे को प्रभावी तरीके से उठाने की कोशिश की। प्रियंका ने प्रधानमंत्री के विकास के दावे और नारों पर सवाल खड़े किए, संयत आवाज में लेकिन तलखी में कमी नहीं। बहुत ठोकने वाले हो गए, बहुत सुनी है इस देश में, इस प्रदेश में, बहुत साल हो गए, आप तीन साल से सरकार में रहे हैं, वाराणसी के जनता से पूछिए। प्रियंका और राहुल दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी को रिश्ते नहीं निभाने वाला करार दिया। राहुल ने यूपी चुनाव में विजय माल्या को सरकार का साथी बताकर चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की, जिसे खारिज करने में बीजेपी ने देरी नहीं की। माल्या जी को किसने दिए लोन्स? अब यूपी में काम नहीं बोलता, अब तो झूठ भी बोल रहा है। यूपी में नया गठबंधन है, इस गठबंधन की शिल्पकार प्रियंका बताई जाती है, लेकिन रायबरेली और अमेठी जैसे गढ़ में ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर सबसे ज्यादा खटपट हुई। बीते कुछ साल में हुए ज्यादातर चुनावों में
कांग्रेस को जबरदस्त शिकस्त मिली। इन नाकामियों का ठीकरा कांग्रेस भले ही राहुल के सिर न फोड़, लेकिन राजनीति के जानकार तो यही कहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भाई की नाकामियों को छुपाने के लिए प्रियंका ने पीएम पर वार किया। हमारा सवाल एक बार फिर सुनिए, आपके जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा कि क्या अपने भाई की नाकामियों को छुपाने के लिए प्रियंका ने सीधे पीएम पर वार किया है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर एन लिखिए, और अपनी राय हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। ट्विटर पर भी #HTP और #दंगल में प्रियंका के जरिए भी अपने सुझाव हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर भेजते रहिए। मेहमानों का परिचय कराता हूं जो खास लोग इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले यहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का युवा चेहरा अनिल यादव स्टूडियो में है, आपका भी स्वागत है अनिल। साथ में जो खास मेहमान बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं उसमें संबित पात्रा हैं भारतीय जनता पार्टी के, सुधींद्र भदौरिया जी हैं बहुजन समाज पार्टी के, वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी भी यही हमारे स्टूडियो में मौजूद हूं। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले करना चाहूंगा पवन खेड़ा साहब आपसे, आखिरकार प्रियंका गांधी पहले तो प्रचार नहीं करती हैं, तमाम अटकलें आती हैं, पहली रैली करती हैं, मुश्किल से 5-6 मिनट बोलती हैं और सिर्फ नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का हो रहा है कि लोकसभा का हो रहा है? आप हमें उत्तर प्रदेश का भाजपा का चेहरा दिखा दीजिए, हम उनके खिलाफ बोल देंगे। मोदी जी अपनी अचीवमेंट्स बताने के बजाय गांधी परिवार गांधी परिवार गांधी परिवार, ये बस उनको आप अच्छा वो 25 मिनट बोलते हैं क्योंकि उनको और कुछ बोलने को है नहीं, यही रिपीट करे जाते हैं। जो बात में तंत होता है वो 5 ही मिनट में की जाती है, और अटकले लगाने की रही बात तो वो मीडिया अटकले लगाता रहता है, उसमें ना प्रियंका गांधी का कोई कसूर है ना कांग्रेस पार्टी ने कभी आपको बोला कि अटकले लगाइए। और पिछली बार भी उन्होंने 2014 में भी उन्होंने अपने अमेठी रायबरेली में काम किया था, आज भी कर रही है, उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है भाजपा के अलावा? आप मुझे बताइए, जब प्रियंका गांधी वहां जाती है अमेठी रायबरेली में, मैं आता हूं संबित पात्रा बोलना चाह रहे हैं, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन पवन पहले प्रियंका जब बोलना वहां जाती हैं रैली करती हैं कैंपेन करती हैं, मैं ये जानना चाहता हूं वो गायत्री प्रजापति के लिए भी कैंपेन करेंगी क्या? उसी सीट पर है, अलायंस के पार्टनर है वो भी। गायत्री प्रजापति पे जो भी कोर्ट का आदेश आया है उसके बाद जो होना है वो अलग इशू है, नहीं, वो मुद्दा ही अलग है भाई। आप गठबंधन के ऐसी पार्टी के मंत्री हो रहे हैं जिसकी जिस पार्टी का अध्यक्ष 1.5 साल पहले 2 साल पहले उनकी हालत आपको भी मालूम थी, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर उनका पहले वो प्रश्न आप संबित जी से पूछिए, वो तो खुद प्रचार कर रहे हैं, जो तड़ीपार प्रियंका प्रियंका जी वहां पर मौजूद हैं प्रचार कर रहे हैं, उनमें किसी को कोई प्रश्न नहीं हो रहा। प्रियंका जी किसका एक इलाके में प्रचार कर रही है तो बोले किसका प्रचार करेंगी? वहां से जो संदेश भेज रही है वो पूरे प्रदेश में संदेश भेज रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का। किसका? मैं वही उसी सीट पे आ रहा हूं, उसी अमेठी सीट पे आ रहा हूं जहां पर गायत्री प्रजापति और सीधा मुकाबला है अमिता सिंह का। बताइए ना किसका प्रचार करेंगी, राजनीति के किसका प्रचार करेंगी? वो प्रचार कांग्रेस और समाजवादी के गठबंधन का प्रचार, गायत्री प्रजापति भी लड़ रहे हैं? जी नहीं, लड़ रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी का हो रहा है, लड़ रहे हैं। आप पहले मुझे संबित जी से पूछ के बताइए कि अरे मैं आप संबित जी से क्या पूछने का पूछ लूंगा, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछूंगा, अरे मैं पूछूंगा, आप क्यों पूछेंगे? आप अपना डिबेट एक प्रश्न है, आप डिबेट का चैनल खोलिए, मेरे को बुलाइए, मैं आपके जवाब दूंगा। केसेस थे लेकिन ये मंच मेरा है, कैसे प्रचार कर रहे हैं उसका जवाब तो दिलवाइए जरा, आप अभी जवाब दिलवाइए, आप डाइवर्ट मत करिए, आप डाइवर्ट मत करिए। आपने जो मुद्दा निकाला मैं एक और मुद्दा, गायत्री प्रजापति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणी आई है, प्रियंका गांधी वहां मौजूद है, एक लाइन नहीं बोलती है, गैंग रेप का नाम आता है, पूछ लीजिए, अरे पूछेंगे ना आज जब कोर्ट संबित पात्रा से, नहीं पवन जी प्रजापति की, अजय भाई हमारे जो है ये जवाब देंगे, नहीं आप बताइए ना, प्रियंका गांधी वहां मौजूद है उस सीट पर, गायत्री प्रजापति चुनाव लड़ रहे हैं, क्या प्रियंका गांधी एक लाइन उस महिला के लिए नहीं बोल सकती है जिसके साथ ये रेप हुआ था, देखिए जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने इतनी टिप्पणी की? मैं वापस स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूं, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के तमाम नेता उस मंच से, कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन का पूरे राज्य का प्रचार उस एक मंच से एक अपना मैसेज दे रही थी, बिल्कुल सही दे रही थी, बहुत एक लाइन नहीं बोली, और इतने नर्वस हो गए भाजपा वाले, मैं तो ट्विटर पे देख रहा था उनकी स्थिति। जवाब लूंगा संबित पात्रा मैं आपसे, लेकिन अनिल यादव मैं आपने हाथ भी उठाया, गायत्री प्रजापति को आप डिसोन करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए
सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उस पर हम FIR उस पर दर्ज हो रही है और जांच की जा रही है उस मामले की। मैं आपको नेशनल चैनल पे बैठ के विश्वास दिलाता हूँ कि अगर वो दोषी पाए गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट ने डाटा है, FIR करने को कहा है और वो अभी भी अखिलेश यादव की सरकार के मंत्री है। बात तो गायत्री प्रजापति मंत्री है इस वक्त, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात तो पूरी सुनिए। मैंने क्या कहा कि अगर उनके खिलाफ जो जो ये मामला चल रहा है, अगर वो दोषी पाए गए, FIR की है सरकार ने, नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है, मेरी बात सुनिए, प्रोसेस चल रहा है। हाँ, इन परिस्थितियों में गायत्री प्रजापति को अखिलेश को अपने कैबिनेट में रखना चाहिए। अगर किसी अगर वो साबित होते हैं, अगर उनका दोष पाया जाता है तो मैं मामला बताया ना नेशनल। हाँ जी बिल्कुल, गैंगरेप, यौन शोषण, देखिए मेरी बात, गैंगरेप और यौन शोषण, मेरी बात, ये कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, दो चार पांच लाख का मामला नहीं है, एक जीता जागता उदाहरण को बर्बाद करने का आरोप। संबित जी मुस्कुरा रहे हैं इस बात में, मैं जीता जागता उदाहरण देता हूँ, निहाल चंद मेघाल, देखिए नहीं नहीं ये बताना जरूरी है, आप बताइए, निहाल चंद मेघाल नहीं झाकेंगे, नहीं नहीं रेप केस उन पे लगा हुआ है और उस पे संबित जी मुस्कुरा रहे हैं एक बार भी। सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी की निहाल चंद, आज टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहा उसके बाद प्रक्रिया चल, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कोर्ट ने आज की है, आज चुनाव कहाँ चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहाँ चुनाव चल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसका मतलब संबित पात्रा के कपड़ों में दाग है तो मैं भी धागे कपड़े पहनूंगा, अगर संबित पात्रा के कपड़ों में दाग है तो मैं भी धागे कपड़े पहनूंगा। कोर्ट का आदेश था उसको आप ढूंढ नहीं पा रहे थे आपके अपने, अगर संबित पात्रा के मंत्रिमंडल में गड़बड़ी है, मैंने इसलिए ये देखिए ऐसे डाइवर्ट करते हैं आप गायत्री प्रजापति को बचाने के लिए मैंने आपको निहाल सिंह की जरूरत पड़ रही है, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव साफ साफ बताया, अखिलेश यादव की इमेज की जरूरत नहीं है। जिस दिन वो दोषी पाए गए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बिना कुछ सोचे समझे कार्रवाई करेंगे। देखिए ना कांग्रेस पार्टी जवाब दे पा रही है गायत्री प्रजापति के बारे में, नहीं दे पा रही है, आप पलट के अमित शाह के बारे में पूछ रहे हैं, कैसे क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, जो जवाब है आप उसे मान। गायत्री प्रजापति पे मैं आपसे पूछूं, या आप सदरी पहन के आए हैं मरून कलर की, आप कहें कि नहीं आपने जो नीले रंग का पहना है, अरे तो आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। गायत्री प्रजापति मंत्री क्यों है, गायत्री प्रजापति मंत्री क्यों है, गायत्री प्रजापति सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अखिलेश सरकार में मंत्री क्यों है, आप एक बात बताइए, क्या वो दोषी साबित हो गए, नहीं हुए, इसका मतलब रहेंगे ना, मेरी बात सुनिए, मैंने साफ, ये राष्ट्रीय चैनल पर अनिल यादव साहब कह रहे हैं कि गायत्री प्रजापति दोषी नहीं है, गायत्री प्रजापति दोषी नहीं है, इसीलिए मंत्रिमंडल में अभी आपने कहा, अभी आपने कहा, अपने तो कहिए ना, मेरे मुंह में तो कहिए ना, पॉसिबल नहीं हो पाए, थ्रो हिम आउट, नहीं नहीं थ्रो हिम आउट, क्या मजबूरी है, मैंने आपको बताया क्या मजबूरी है भाई, जो क्या मजबूरी है, वहाँ पर कांग्रेस की उम्मीदवार लड़ रही है ना उस सीट पर, तो लीजिए मेरी बात, आपका उम्मीदवार है ना वहाँ पे, अगर अगर मैं नेशनल चैनल पे कह रहा हूँ, अगर वो दोषी पाए गए तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कार्रवाई करेंगे। ये गठबंधन है, एक साथ दोनों लोग बैठे हुए हैं, आप सुमित जी आप सच नहीं सुन रहे, अरे क्यों, तो उस सीट पर लड़ाई है, उस व्यक्ति पर तीखी टिप्पणी आई है, ना पवन खेड़ा उसके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं और ना आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, सुनना उचित, आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, गायत्री प्रजापति को कैबिनेट से बाहर निकालिए, सरकार है, बोलिए प्रजापति को बाहर निकाले, बिल्कुल न्यायोचित, इनको एक्शन लेना पड़ेगा और ये लेंगे, कहां ले रहे हैं, अरे भाई साहब अभी तो आपने टिप्पणी आज आई है, उनको करने दीजिए, कितना टाइम लगता है इस्तीफा लेने में, मेरा ये इस्तीफा लेने में कितना टाइम, मतलब पर्सनली आप पे नहीं, लेकिन भाजपा पे आरोप है, सुमित जी की, सुमित जी जब ऐसे लोग आ गए हैं राजनीति में, इतने घबरा गए कि तुरंत इसको डाइवर्ट करके यहाँ वहाँ घुमाए, नहीं नहीं आज क्योंकि आज का मामला है, हम आज की तारीख में डिबेट कर रहे हैं, संबित पात्रा जहाँ संबित पात्रा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कार्रवाई की है, नहीं किए भाई, आज मौका था अखिलेश यादव के पास, संबित पात्रा, संबित पात्रा, जिस भी जवाब दीजिए, जिस भी दागी को हमारी पार्टी में जो थे, हमने बाहर का रास्ता दिखाया है, मुख्तार अंसारी, गायत्री प्रजापति चुनाव लड़ रहे भाई, हमने बाहर निकाला, संबित पात्रा, संबित पात्रा, संबित पात्रा रिस्पॉन्ड, हंसी मत जवाब दीजिए, और निहाल चंद का भी जवाब दीजिएगा, और अमित शाह साहब का भी, और प्रदेश अध्यक्ष, इनकी तो लाइन है, अच्छा इनसे इनसे बात कर लूं, जवाब संबित पात्रा, संबित पात्रा, मैं इनकी बेचारगी पे मुस्कुरा रहा था और बड़े शांति से सुन रहा था। देखिए प्रियंका ठीक कह रहे हैं, पवन खेड़ा जी, प्रियंका जी कोई विषय नहीं है, प्रियंका जी को भूल जाइए, राहुल जी को भी भूल गए हैं, बंद मुट्ठी लाख की खुली मुट्ठी खाक की, ये दोनों भाई बहनों का यही हालत है। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप कृपया करके सुन लीजिए, क्या बोल लेते भाई, हमारे पास है बोलने, भैया आपके जैसे आप बोलिए ना, बैठ के बीच में बोलिए, नहीं नहीं मूर्ख, देखिए जिनके पास ज्ञान नहीं होता है वे बहुत बोलते हैं, बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं, तो आप पसंद कर लीजिए, आपको ज्ञानी है, ज्ञानी मालूम पड़ा कि, तो अभी फिर से सुन लीजिए, मैं
प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई बोलता ही नहीं। मैं जवाब एक काम करिए, इन दोनों को रैली करवा लीजिए, इन दोनों को रैली करवा लीजिए, कोई परेशानी नहीं, मैं मुस्कुरा लूंगा। नहीं, आपके पास और चारा भी नहीं है, मत आपने पवन जी, अनिल जी, एक मिनट, संबित पात्रा, सुजीन भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक ब्रेक के लिए यहां रुक रहा हूं, तुरंत हाजिर होते हैं, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, गायत्री प्रजापति पर एक्शन लेने के लिए अखिलेश पर दबाव बनाएंगे? क्या ये दो यूपी के लड़कों की सरकार सही रास्ते पर चल रही है? इस ब्रेक के बाद दी जा रही है। गायत्री प्रजापति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणी आई है, प्रियंका गांधी वहां मौजूद है, एक लाइन नहीं बोलती है, गैंग रेप। प्रियंका गांधी या कांग्रेस के तमाम नेता उस मंच से, कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन का पूरे राज्य का प्रचार उस एक मंच से एक अपना मैसेज दे रही थी। प्रियंका जी कोई विषय नहीं है, प्रियंका जी को भूल जाइए, राहुल जी को भी भूल गए हैं। बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की, ये दोनों भाई बहनों की हालत है। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। प्रियंका को शंका किसका बजाए डंका, क्योंकि प्रियंका अमेठी रायबरेली में है और यहां की कुल 10 जो कुल विधानसभा सीटें हैं, 4 पर फाइट हो रही है इस गठबंधन के लोगों के बीच ही। तो प्रियंका गांधी और वहां पर गायत्री प्रजापति का मामला भी सामने आ गया है, इसी सब पर बहस चल रही है। अब तक के जो नतीजे आए हैं वो मैं एक बार दिखा देता हूं, फिर इस बहस को आगे बढ़ाता हूं। हमारा आज का सवाल था कि क्या भाई की नाकामियों को छिपाने के लिए प्रियंका ने पीएम पर वार किया है? अब तक जो SMS आए हैं 85% हां जवाब देते हैं, और SMS के अलावा ट्विटर पोल के नतीजे में 81% हमें जवाब देते हैं, यानी बड़ी संख्या में लोग बाग इस बात को मानते हैं कि राहुल गांधी के बजाय, नाकामियों के बजाय मोदी साहब की नाकामियां गिनाई जा रही हैं, ताकि भाई की नाकामियों पर पर्दा डाला जा सके। बोलिए ना, बिल्कुल बोलिए। मैंने बहुत सर्वे किए हैं, बहुत सर्वे कराए हैं, बिल्कुल। एक सर्वे में एक प्रश्न होता है जिसको कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। अगर आप लीडिंग क्वेश्चन पूछेंगे तो जाहिर है कि यही जवाब आएंगे। नहीं, लीडिंग आंसर भी आ सकते हैं। मैंने भी सर्वे किए हैं, मैंने भी सर्वे कराए हैं, मैं जानता हूं कि जवाब कहां दे सकते हैं। पॉलिटिक्स में आने से पहले रूरल डेवलपमेंट में यही काम करता था, मुझे मैं भी यही काम करता था। आई स्टार्टेड माय करियर विद दिस। प्रश्न जो है डेलिबरेट है, नहीं लीडिंग है, नहीं भी बोल सकते थे। आरोप है आपके चैनल पे, बड़े जानबूझकर किए जा रहे हैं। लगाइए, आप आरोप लगाइए, नहीं कहकर भी आदमी जवाब दे सकता है। जिस जनता को जवाब देना है कि नहीं नाकामी है, तो आप नहीं, मैं जवाब दे दीजिए, डिबेट जारी रखिए। आपने आरोप लगाया, मैंने अपना जवाब दे दिया। लेकिन प्रियंका को शंका किसका बजाय डंका? शेष पूरी कही थी, पूरी कर सकता हूं अभी। संबित जी, मैं आ रहा हूं शेष नारायण जी की एक टिप्पणी के साथ। शेष जी, एक टिप्पणी, क्या प्रियंका के लिए आसान होगा इस वक्त में कैंपेन करना? जब इसमें क्या हम हैं इसके अंदर? मैं आ रहा हूँ सुदीन भाई, आप भी हैं सुदीन भाई, मैं आ रहा हूँ। ये बहस चलानी है और हम लोगों को खाली दर्शक के तौर पर रखना है तो अरे सुदीन भाई, आपको कैसे भूल सकता हूं मैं। एक आप ही के साथ ही शेष नारायण सिंह की टिप्पणी ले रहा हूं मैं, बिल्कुल आ रहा हूं आपके पास, आप लोग हैं हमारे साथ। शेष सर, प्रियंका बजाय किसका डंका, क्या आसान होगा? गायत्री प्रजापति जैसे तमाम 4 सीटें ऐसी हैं जहां फ्रेंडली फाइट चल रही है इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। भाई, जब फ्रेंडली फाइट नहीं थी और 2012 में जब इनकी केंद्र में सरकार थी तो प्रियंका गांधी ने 15 दिन तक वहां पे कैंप किया था, 15 डेज, और आपको मालूम है कि ज़्यादातर सीटों पे ये लोग हार गए थे। अमेठी ज़िले में 2 सीटें इनके हाथ आई थी, रायबरेली का हाल आप जानते हैं, अखिलेश सिंह की बेटी इस बार लड़ रही, शायद वो जीत जाएं, और सुल्तानपुर की 5 सीटों पे इनकी जमानत जब्त हुई थी। तो अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर में तो प्रियंका जी का वो जो बहुत ज़्यादा करिश्मा नहीं है, उनकी वजह से 2012 में अगर ये हाल हुआ है तो अब क्या हाल होने वाला है, जबकि और भी कमज़ोर पार्टी के रूप में लोग आए हैं। लेकिन जहाँ तक गायत्री प्रजापति की बात है, मुझे लगता है कि गायत्री प्रजापति के लिए जब कल उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन करने जाएंगी तब तक समाजवादी पार्टी के लोग, अगर कम से कम अखिलेश यादव अगर उनको, क्योंकि वो गायत्री को बिल्कुल नहीं पसंद करते हम सब जानते हैं, तो उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दे दिया है जिससे उसकी पिटाई करके उसको अलविदा कर सकते हैं वो। लेकिन ये सवाल जो आपका ओरिजिनल सवाल है कि प्रियंका गांधी के वहां जाने से बाकी जिलों में शायद कुछ न्यूनेस का अट्रैक्शन हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन कंस्टिट्यूएंसी में जहां के पिछली बार वो बुरी तरह से हार गए थे उनके उम्मीदवार, वहां कोई बहुत फर्क पड़ने वाला। ये मेरे ख्याल से पवन खेड़ा अब काउंटर नहीं कर पाएंगे क्योंकि तो फैक्चुअल बात की है। पिछले चुनावों में कैंपेन किया था और कैंपेन में परिस्थितियां क्या बची थी कांग्रेस पार्टी की, हर चुनाव अलग होता है,
कोई एक चुनाव को आप दूसरे चुनाव से कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, इस बार का जो चुनाव है ग्राउंड पे जाकर देखे आपने, सुधीर जी मुझे मालूम है आपने देखा है, इस बार एक लहर सी सुधींद्र भदौरिया, उसका प्रभाव संबित पात्रा जी के चेहरे के एक्सप्रेशन पे दिख रहा है। सुधींद्र भदौरिया, सुधींद्र भदौरिया, आप क्या क्या पढ़ रहे हैं? रूरल सुधींद्र भदौरिया, संबित जी, संबित जी, पवन जी एक मिनट, संबित जी, पवन जी एक मिनट, मैं जवाब देता हूँ। अरे भैया संबित जी, अरे भैया संबित जी, संबित जी एक मिनट, सुधींद्र भदौरिया से पूछ रहा हूँ मैं, संबित जी, संबित जी गिनते चेहरा का पढ़ने लगे हो, संबित जी, पवन जी, संबित जी, पवन जी एक मिनट, सुधींद्र भदौरिया ऑन द स्क्रीन, सुधींद्र भदौरिया ऑन द स्क्रीन, सुधींद्र भदौरिया, क्या क्या गायत्री प्रजापति के मामले को लेकर प्रियंका गांधी को एम्बैरेसिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो वहां मौजूद है, वहां वो सभाएं कर रही हैं आज की तारीख में। मैं समझता हूं इस विषय पर अगर किसी का सर शर्मिंदा से नहीं झुकता है और कोई इस पर कोई कठोर निर्णय नहीं लेता है तो ये मैं समझता हूं ये सबसे बा शर्मनाक है उस सरकार के लिए जिसके मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो महिलाओं की हिफाजत करना अच्छा, चाहते हैं। ये बता दीजिए कि मायावती जी हिफाजत के नतीजे के तौर पर हमने बुलंदशहर गैंगरेप देखा। अनिल, अनिल एक मिनट, लेट हिम कंप्लीट, आई विल कम बैक टू यू। भाषण दे रहे थे बुलंदशहर गैंगरेप पर, आपको शर्म नहीं आई? आप एक बात बताइए ना, मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी को तो आपने स्टार प्रचारक बना दिया, वो दूध के दूल्हे हैं क्या? साफ छवि है उनकी, आप बताइए मुझे, शर्म से डूब जाइए आप। अरे आप मुझे बता दीजिए बहन जी और बसपा कहां शर्म से डूब गई मुख्तार अंसारी को पार्टी में लेने के बाद? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भदौरिया जी इस बात का जवाब दे दीजिए कि मायावती जी कहां डूब गई, बैठे हुए हैं, ये बता दीजिए मुख्तार अंसारी को पार्टी में लेने के बाद, अफजल अंसारी को स्टार प्रचारक बनाने के बाद कहां डूब गई, ये बता दीजिए। वो दर दर भटक रही है, आप दर दर कौन, मायावती भटक रही, कौन किसकी बात कर रहे हैं आप, करवा दीजिए भाई एक मिनट, एक मिनट, सुधींद्र जी, आठ घंटे से प्रवचन सुना है, इनको एक मिनट कोई बोलता है तो परेशानी हो जाती है। सुधींद्र जी आप अपनी बात पूरी करिए, आपके पास आऊंगा, अनिल यादव, अनिल यादव, अनिल यादव, अनिल यादव, अगर अगर ये मुख्तार अंसारी इतने खराब आदमी था तो शिवपाल यादव क्यों शामिल करने को लेकर आतुर थे, क्यों क्यों मुलायम सिंह आतुर थे, क्यों मुलायम सिंह आतुर थे लेने के लिए? सुन तो लीजिए, क्यों अखिलेश यादव को अपने बाप से विद्रोह करना पड़ा? किया ना, किया ना, यही तो दिखाता है हमारी साफ छवि। तो आपके मतलब, आप एक बात बताइए, मतलब मुलायम सिंह खराब है, आप मेरे मतलब मुलायम सिंह खराब है, आप मुझे एक बात बताइए, अनिल, अनिल आपके जवाबों में बहुत सी बातें छिपी हुई है, मुख्यमंत्री आपने आज साबित कर दिया अखिलेश यादव अगर अच्छे हैं मुख्तार के मामले में तो मुलायम सिंह खराब थे, मुलायम सिंह गुंडों का साथ देते, उन्हें कुछ भी, मुलायम सिंह गुंडों का साथ देते, उन्होंने मुलायम सिंह गुंडों का साथ देते, मुलायम सिंह गुंडों का साथ देते, मुलायम सिंह गुंडों का साथ देते, मुलायम सिंह शिवपाल सिंह गुंडों को बढ़ावा देते, मुलायम सिंह शिवपाल सिंह गुंडों को बढ़ावा देते, गुंडों को बढ़ावा देते, बाहर का गुंडों को बढ़ावा देते, मुलायम सिंह शिवपाल सिंह का रास्ता दिखा दिया, मुलायम सिंह शिवपाल सिंह गुंडों को बढ़ावा देते, गुंडों को पार्टी में लाना चाहते थे, एक आदमी को ये देखिए जवाब, ये जवाब अपने आप सामने है, जवाब अपने आप सामने, अनिल यादव आप अपने सबसे बड़े नेता को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने सबसे बड़े नेता को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं लाइव टीवी पर, जिसको हमने निकाला, आप एक्सपोज हो रहे हैं लाइव टीवी पर, मायावती जी ने उन्हें, मैं पूछूंगा उनसे, मैं पूछूंगा उनसे, क्योंकि आप उनको बोलने नहीं दे रहे, इसलिए मैंने आपसे पूछा, इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, एक बात तो जवाब दे, आपको सुमित जी याद होगा, नहीं, एक घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी, और अनिल यादव एक संबित बात, संबित बात्रा बोलना चाह रहे, संबित बात्रा वांट टू कमेंट, संबित, 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 समाजवादी पार्टी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार डिबेट कोई भी नहीं समझ पाएंगे, सब लोग बारी बारी से बोल रहे, हमने आपको सुना। देखिए गायत्री प्रजापति वाले केस में आलम तो यह है कि महिला को जाके गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगाना पड़ा और कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ी, ये कह रहे थे जांच करेंगे, दोषी होगा तो जेल भी भेज देंगे, अरे जांच कैसे करेंगे, आपने तो गुहार तक नहीं सुनी, एक रिपोर्ट तक नहीं लिखा, आखिरकार उस महिला को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, आप बताइए कितनी महिलाएं सुप्रीम कोर्ट, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सुमित जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा सुमित जी, नहीं नहीं, अनिल, 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 अनिल
प्रजापति आज का मामला है, यूपी में चुनाव चल रहे हैं, यूपी में चुनाव चल रहे हैं, यूपी में चुनाव चल रहे हैं, थोड़ा एक मिनट में आपको मौका दूंगा अनिल, अनिल मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा, चुनाव नहीं लड़ रहे होते तो मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करता, मैं मौका दूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अनिल अगर आप ऐसे ही करेंगे तो मैं आपके पास नहीं आऊंगा, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, लगातार आप ही बोल रहे हैं, संबित जी बोल रहे हैं, नहीं सुधीन भाई बोल रहे थे तो आप बीच में कूद पड़े, संबित बोल रहे हैं तो आप कूद पड़े, अरे सुन तो लीजिए, अरे लोकतंत्र में सुन तो लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा ना, मैं आऊंगा आपके पास, संबित पात्रा अपना इनका जो राजनीति, मैं उत्तर दे दूं, प्लीज कंप्लीट कर दूं, एक बारी बारी से सब लोग बोले। देखिए इनके मंत्रियों का क्या आलम है, प्रजापति गायत्री प्रजापति को छोटा मत समझिए, अखिलेश जी उनको हेट करते ऐसी बात नहीं है, गायत्री प्रजापति के यहीं से ही पूरा का पूरा बेड़ा चला था, वहीं से कैंपेनिंग शुरू हुई है। दूसरी बात, राममूर्ति वर्मा एक जर्नलिस्ट को जिंदा जला देते हैं, वो भी देखा। एक तीसरा मंत्री जो शिक्षा मंत्री है और स्वास्थ्य मंत्री है, राजदर्जा प्राप्त है, जिनको सिंह साहब वो कहते हैं एक दूसरे पत्रकार को अमर उजाला के कि हम आपको जिंदा जला देंगे, उन पे केस चल रहा है। एक चौथे मंत्री को हमने देखा है कि किस प्रकार भ्रष्टाचार का केस उनके ऊपर चल रहा है। प्रत्येक मंत्री, किस किस मंत्री को अखिलेश जी निकालेंगे, वो तो निर्मंत्री हो जाएंगे, बिना मंत्री के होंगे, हर किसी के ऊपर केस चला रहा है, कोई जिंदा जला रहा है, तो संबित जवाब, 30 सेकंड में जवाब लेता हूं। उत्तर प्रदेश में अपराध की स्थिति यह है कि पूरी तरह से इन्हीं मंत्रियों को जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए सुन लीजिए, इन्हीं मंत्रियों को जवाब दीजिएगा, मैं यूपी की बात करूंगा, आपके प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य के ऊपर 11 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें महिला से दुर्व्यवहार और अपहरण जैसे मुकदमे, आप संबित जी आप नहीं सुन रहे हैं तो आप बताइए, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि सब आप ही को सुने, जब आपका सुनने का नंबर आया तो आप किसी को बोलने नहीं देंगे, सुन लीजिए ना, आपके लोग, आप भारतीय जनता पार्टी के लोग जा जाके आईएसआई की गोद में जाके बैठ रहे हैं, वो बताइए कौन सा आईएसआई की गोद में, आप अरे दुनिया को बताए, दुनिया को बताए, आपके प्रदेश अध्यक्ष पे 11 मुकदमे दर्ज है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे 13 मुकदमे दर्ज है, ठीक ठीक, आप दोनों का आपस में डायलॉग पूरा हुआ, सुधीन भदौरिया बहुत जरूरी है इस डिबेट में उनका आना, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण पार्टी है उत्तर, नहीं नहीं अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी आप अपना चैनल खोलिए, वहां पर एक कार्यक्रम रखिए, हम तो पूछेंगे पार्ट टू, और उनको बुलाइए संबित पात्रा को जवाब देने के लिए, नहीं ये इसका जवाब नहीं, यही आप बुलाइए ना, किसने मना किया, सुधीन भदौरिया मेरा सवाल अधूरा रह गया आपसे, सुधीन भदौरिया आजम खान एक मिनट, संबित पात्रा प्लीज, सुधीन भदौरिया जी क्या प्रियंका के लिए आसान होगा अमेठी रायबरेली में कैंपेन करना, चार सीटों पर आपस में फाइट है गठबंधन में, गायत्री प्रजापति पर उल्टी टिप्पणी आ चुकी है और प्रियंका गांधी वहां मौजूद होकर चुप्पी साध कर बैठी हैं, फिर पवन खेड़ा जवाब देंगे आपकी बात का, सुधीन भाई ये बहुत अफसोस की बात है, ये बहुत अफसोस की बात है, ये बहुत अफसोस की बात है कि प्रियंका गांधी महिला होने के बावजूद इस बहुत ही गंभीर और शर्मनाक घटना पर कोई अपनी बात नहीं रखती है, उनको अधिकार है मोदी जी की आलोचना करनी चाहिए, हम भी मोदी जी की आलोचना करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की हर उस आर्थिक नीति सामाजिक नीति की आलोचना करते हैं, पर इस पर मौन रखकर प्रियंका गांधी ने स्वयं एक शर्मनाक उदाहरण प्रस्तुत किया है, इस देश की कोई भी महिला नेता अगर आपको कहलाने का हक, और आप वहीं मौजूद हैं अमेठी और रायबरेली में जहां ये सब हो रहा है, और उसके बावजूद आप मौन हैं, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही शर्मनाक है प्रियंका गांधी के लिए भी और राहुल गांधी के लिए भी, और अखिलेश यादव के लिए तो इतनी शर्मनाक घटना है क्योंकि वो उनके मुख्यमंत्री हैं और उनको मंत्रिमंडल से भी नहीं हटा रहे हैं, और कोई सरकार ठीक है, आपकी बात का जवाब पवन खेड़ा देंगे सुधीन भाई, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए सुधीन भाई मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मुख्तार अंसारी में सुरखाब के पर लगे थे, क्यों बिठाया उनको हाथी पर, देखिए एक चीज जान लीजिए, मैं चाहता हूं कि अपराधीकरण समाप्त हो, और उसके लिए सरकार को राजनीति से अपराधीकरण करने खत्म करने के लिए चुनाव आयोग की सिफारिशों को मानते हुए, तारकुंडे कमीशन की सिफारिशों को मानते हुए, सुधीन भाई देखिए आप डाइवर्ट मत करिए, हम अपने लेवल पे तो लगाम लगा ही सकते हैं, इस तरह के अपराधीकरण क्योंकि तमाम पार्टियों में खड़े थे, आपने भी खड़े कर दिए उन पर रोक, ये एक्सक्यूज अगर आपका है तो ठीक है, जनता देख रही है हमको नहीं, जब तक ये फूल ये नहीं नहीं मैं मान रहा हूँ, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, तमाम पार्टियों ने खड़े किए, सब एक से बढ़कर एक खड़े किए, ये गुलदस्ते कांग्रेस पार्टी में, पवन खेड़ा जवाब दीजिए, गुलदस्ते सजाए, पवन खेड़ा प्रियंका गांधी पे जो हमला हुआ आरोप नहीं लगे, प्रियंका गांधी पे जो आरोप लगाए वो जवाब दीजिए, पवन खेड़ा सुमित भाई, आप लोगों को शायद अच्छी तरह से स्मरण होगा,
राहुल गांधी ने एक ऑर्डिनेंस फाड़ा था। उस ऑर्डिनेंस के फाड़ने का नतीजा क्या निकला, दो दिन पहले जो नतीजा तमिलनाडु में दिखा आपको सुप्रीम कोर्ट का, यह सब नतीजा उस ऑर्डिनेंस को फाड़ने का है। उस व्यक्ति ने, कांग्रेस पार्टी ने साफ राजनीति की ओर पहला और बड़ा ठोस कदम रखा था, किसी और पार्टी ने नहीं रखा था, कांग्रेस पार्टी ने रखा। दोनों बेल रही बात राहुल, रही बात समाजवादी पार्टी के मंत्री की, समाजवादी पार्टी को यह निर्णय लेना है, ये इनका आंतरिक मसला है जो इनको सुलझाना पड़ेगा और न्यायोचित इनको करना ही पड़ेगा, इनको कोई चॉइस नहीं है, कानून की एक सिस्टम होता है जिसके तहत। और संबित जी अगर आप बीच में बोलेंगे तो माया कुंडानी के विषय में मुझे आपसे कुछ पूछना पड़ जाएगा, अमित शाह का तो आप जवाब दे नहीं पाए, आप दे नहीं पाए, मुझे माया कुंडानी का भी आपसे जवाब पूछना पड़ेगा, निहाल चंद का आप इनकी बात का जवाब दे नहीं पाए, इसलिए आप तो बीच में बोलिए मत, क्योंकि आप बहुत ज्ञानी हैं इसलिए आप चुप रहिए, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति चुप रहता है, आप ही कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति चुप रहता है, तो आप चुप ही रहिए, क्योंकि मुझे आपके पार्टी के कई ज्ञान है, अगर खोलना शुरू करूंगा तो शायद आप बोल नहीं पाएंगे। माया कुंडानी का जवाब दीजिए, खोलना क्यों नहीं शुरू, माया कुंडानी का जवाब दीजिए। रही बात कोर्ट जाने की, तो गुजरात के सारे विक्टिम सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे, क्योंकि वहां उन्हें न्याय नहीं मिल रहा था। आप तो आपका तो ऐसा काले अध्याय है कि आपकी तो पुस्तक ही आप साइड में रखिए, पीछे जो किताबें हैं आपकी, हाँ तो खोलिए ना, वो खुल रही है, जनता देख रही है। निहाल चंद को आप लोगों ने नहीं हटाया था, दो साल राजस्थान पुलिस को नहीं मिल रहा था, और कहां था, मोदी जी के कैबिनेट, मोदी जी के कैबिनेट में बैठा। माया कोडनानी को मत भूलिएगा, समित पात्रा जी, एक एक करके मैं ब्रेक के, तो अपने पार्टी के अध्यक्ष ऐसे करेंगे तो ब्रेक पे जाऊंगा मैं, ब्रेक शुरू करने, नहीं नहीं मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक के बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। पवन खेड़ा, समित पात्रा, सुजीत मदौरिया, शेष नारायण सिंह और अनिल यादव मेरे साथ मौजूद है, तुरंत हाजिर होते हैं। संबित जी, पवन जी, एक मिनट, सुधीर मुदौरिया स्क्रीन पे हुई अंडरस्टैंडिंग है, आप मुझे बता दीजिए बहन जी और बसपा कहां से हमसे डूब गई मुख्तार अंसारी को पार्टी में लेने के बाद, आप अपने सबसे बड़े नेता को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं लाइव टीवी पर, जिसको हमने निकाला, आप एक्सपोज हो रहे हैं लाइव टीवी पर, आपका तो ऐसा काले अध्याय है कि आपकी तो पुस्तक ही आप साइड में रखिए, पीछे जो किताबें हैं आपकी, हाँ तो खोलिए ना, खुल रही है, जनता देख रही है। एक बार फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं कि आखिरकार प्रियंका की मन में जो शंका है कि वो किसका बजाय डंका, पवन खेड़ा मैं सीधे आपसे पूछता हूं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सालों से देखते आ रहे हैं अमेठी रायबरेली को, अमेठी रायबरेली में विकास नहीं हुआ हम सब जानते हैं, हम सब ने देखी हुई है वहां की परिस्थितियां कैसी हैं, कुछ आंकड़े हैं, मैं उसमें जाके आपको और शर्मिंदा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वो है जो कि बाकी स्टेट के आपके डिस्ट्रिक्ट के कंपेरिजन में है कि इटावा कहाँ है और अमेठी रायबरेली कहाँ है। खैर, अब आपने जिस पार्टी के जरिए वहां पे काम करा सकते थे, जो यूपी के दो लड़के हैं, आपने उनके साथ गठबंधन कर लिया, पहले आप इन्हीं पे इल्जाम लगाते थे कि क्योंकि ये हमारी सरकार नहीं है तो हमारे प्रोजेक्ट को क्लियर नहीं करते हैं, हमारे काम नहीं होने देते हैं, आपको लगता है कि ये तमाम बातें प्रियंका से पूछी जाएंगी कि जिनसे आप जवाब मांगते थे, आज आप उनके साथ दोस्ती कर बैठे? नहीं, बिल्कुल पूछी जाएंगी और उसका माकूल जवाब भी देंगी, वो क्यों नहीं देंगी। जिस पार्टी के अखिलेश यादव ने पिछले 3 से 4 महीने में अपने आप को इतनी बखूबी री इन्वेंट किया है, पूरी बात पुरानी खत्म हो गई है, ही स्टार्टिंग विद अ फ्रेश स्लेट। जैसे इन्होंने कहा कि उन्होंने एक भी गलत आदमी को आने नहीं दिया, उन्होंने अपनी पूरी छवि को सुधारा है, एक झटके से उन्होंने सुधारा है, जिस बखूबी से उन्होंने बाहर निकल कर आए, प्रजापति हैं अभी भी, नहीं नहीं वो आज आप रुकिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के, आपने तो अमित शाह के लिए इतना सब्र रखा कि आज भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, आज भी आप संबित जी से पूछ नहीं रहे हैं, आपने तो मोदी जी को भी माफ कर दिया कई चीजों के लिए, आप इसमें थोड़ा रुकिए, अभी इसका जवाब मिलेगा। लेकिन आज ये जो दो नौजवान मिले हैं, अच्छा ये भी बता दीजिए, अनिल जी ये भी बता दीजिए कि मायावती जी कितने करोड़, कितने हजार करोड़ के मालिक हैं? अनिल जी आप बताएंगे मुलायम सिंह कितने हजार करोड़ के हैं कि मैं बताऊं? मैं बताऊं, बिल्कुल बताइए, मैं बताऊं, प्रतीक कैसे 5.5 करोड़ की गाड़ी चला रहे हैं लखनऊ की सड़कों में, मैं वही कह रहा हूं, हम लोग इस तरह की डिबेट ना करें, लेट्स कम बैक टू द इश्यूज, मैं उसी इश्यू पे शुरू कर रहे थे, मैं वही पूछना चाहता हूं, कैसे प्रियंका गांधी वोट मांगेंगी जब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम नहीं हुआ, 2012 का कैंपेन मैंने कवर किया उन 15 दिनों में, और प्रियंका गांधी रह रहकर मुलायम सिंह अखिलेश यादव को कोसती थी, आपको क्या काम नहीं करा पाते हम लोग, स्थिति
अमेठी रायबरेली की आज से 40 साल पहले से अगर आप कंपेयर करना शुरू करें तो बहुत सुधार हुआ है और आगे बहुत सुधार होना है। बहुत ज्यादा बैकवर्ड, 40 साल बहुत ज्यादा बैकवर्ड, 40 साल। एक सेकंड शेष, मुझे भी बोलिए, शेष जी वहां से आते हैं, मेरी बात समाप्त को देखा था, इसको बात को पूरी सुनिए। 1976 में संजय गांधी ने अमेठी कैंप किया था, इमरजेंसी लगी हुई थी और आज के तमाम आपके राष्ट्रीय नेता वहां पे ग्रीन हॉर्न के रूप में, नौसिखिए के रूप में गए हुए थे और तब से 77 में हार गए थे वो, लेकिन काम करते रहे। 80 में सरकार आई आपकी और आपने कुछ चेले पाले, दलालों की संस्कृति अमेठी रायबरेली में डेवलप की आपने, जो 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 तथाकथित इंडस्ट्रीज लगाई, एक सम्राट साइकिल लगाई, वो सम्राट साइकिल वाला कौन था आज तक जनता ढूंढ रही है, हजारों करोड़ रुपया सरकारी संस्थाओं को लेके भाग गया, तो अमेठी रायबरेली का कुछ भी नहीं हुआ है। ये मैं बहुत अथॉरिटी के साथ कहता हूं। शेष जी, पवन जी, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप माफ कीजिएगा, आप गलत बोल रहे हैं। आप मैं अपनी बात को इसलिए अंडरलाइन करना चाहता हूं, मैं एक साउंड बाइट दिखाता हूं, 5 साल पहले की है, कैंपेन के दौरान प्रियंका गांधी क्या कहती जा रही थी उसी जगह पर जहां पर वो आज मौजूद थी। सुनते हैं प्रियंका का एक छोटा सा साउंड बाइट। ऐसा नहीं लगता, हम 22 साल से आगे पीछे कर रहे हैं क्षेत्र में, हमारे बच्चे खुशहाल हो गए हैं, आपके वहीं के वहीं हैं, ठीक बात नहीं है। आपने बनाया है हमको, हमें दुख होता है, हमें शर्म होता है, लेकिन अगर आप मदद नहीं करेंगे हम बदलाव नहीं ला सकते, तो आप मदद करिए, इस चुनाव में सोच समझ के अपना वोट डालिए। जनता ने सोच समझ कर वोट डाला और आपकी पार्टी को आपके अपने ही गढ़ में हरवा दिया था पिछली बार। जनता का अधिकार है वो कब हराए कब जिताए। अनिल यादव आपके बगल में बैठे हुए हैं, आप दोनों का गठबंधन है, आपको आपत्ति क्या है? जनता अपनी चॉइस नहीं, मैं इस गठबंधन में इस बार भी करेगी। इस बार के आपने इनको जिम्मेदार ठहराया, आप इनके साथ दोस्ती कर लिया, समझ में बड़े क्लियर है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक आवाज पर वोट इसलिए मांग रही है कि जिस तरह की सरकार केंद्र में आई है वैसी हमें यूपी में नहीं चाहिए। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन का जो मुद्दा है वो आप अमेठी रायबरेली की स्थिति में बात कर रहे हो, आप नोटबंदी में बात कर रहे हैं, चुनाव के मुद्दे बहुत अलग हैं और जितना मोदी जी संबित पात्रा जवाब दीजिए, उतना वो संबित पात्रा जवाब दीजिए, उनको देखते ही लोगों को डिमोनेटाइजेशन याद आती है। संबित पात्रा बिल्कुल एक संबित पात्रा, देखिए ये तो ऐसा लग रहा है कि 2019 का चुनाव हो रहा है या 2017 का यूपी का चुनाव हो रहा है। मोदी जी तो 19 मांग के चल रहे हैं, उन्हें मालूम है ये हार गए तो 19 तो गया, वो हमसे रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। और एक पवन जी, मैं आपको आज एक बार जिस तरह से मोदी जी लड़ रहे हैं ये चुनाव, वो 19 ही मांग के चल रहे हैं। और एक और बात सुमित भाई, मुझे माफ कीजिएगा, उनको बोलिएगा मेरी एक बात, जेल गई है, हमने ये सुना है संबित भाई, हमने एक बात सुनी है, समय बदल गया है, अमित शाह ने हर एमपी उत्तर प्रदेश को कहा है कि तीन तीन सीट जीतनी जरूर है, नहीं तो अगली टिकट नहीं मिलेगी। क्या ये सलाह प्रधानमंत्री जी के लिए भी है? याद रखिए, अरे पवन खेड़ा, मेरा प्रश्न अगर उन तक पहुंचा दें कि उनको सुनने का उनको आदत ही नहीं। जेल में जाएंगे, चिंता मत करिए। अरे जेल की बातें आप छोड़िए, अमित शाह बड़ी मुश्किल से कैसे निकले हैं बाहर जेल से, हमें भी मालूम है। आप अमित शाह का पहले जवाब दीजिए जेल का, हमें तो आप बाद में बताइएगा क्या क्या हुआ है वहाँ। सीबीआई ने अपील तक नहीं की है, आप हमें बताएंगे एक एक करके। पवन जी, पवन जी, एक एक आरोपों में जेल में थे, मुझे मालूम है एक एक करके आरोप खुल रहे हैं अमित शाह, एक एक करके एक एक कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। अरे छोड़िए कच्चे चिट्ठे, आप तो कई बार अध्यक्ष हैं और आप हमें कच्चे चिट्ठे दिखा रहे हैं, हमारा मुंह, हम ऐसी जुबान नहीं बोलना चाहते जैसे आप मजबूर करके बुला रहे हैं। अरे क्या कोशिश कर रहे हैं, करप्शन के केसेस हमने देखा है सबको, यहाँ पर सीबीआई को कैसे मैनेज किया गया हमने वो भी देखा, अमित शाह के मुद्दे पर अपीले नहीं हुए, दिल्ली में जानता है इस तरह से आपने मैनेजमेंट किया। करप्शन पे अरे आप लोग तो हैं मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हो गए, सीबीआई कैसे मैनेज करते हैं, करप्शन पे ना बोले, क्या कर रहे थे हमें वो भी दिख रहा है ऑफिस में बैठ के। छोड़िए ना पर्सनल आरोप, मैंने आप पर नहीं लगाया, अगर आप बोलोगे तो वो भी शुरू कर दूंगा, छोड़ दीजिए। जब आप कॉर्पोरेशन इलेक्शन हारे थे दिल्ली का, हमने भी देखा था क्या हुआ था, हमें कारण भी मालूम है, छोड़ दीजिए वो भी चल रहा है, ये सब पर्सनल बातें मत करिए, मैं आप पे निजी टिप्पणी करूंगा, दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा, एक एक करके बात करिए, एक एक करके, मैंने तब एक एक करके मेरी पार्टी के अध्यक्ष के लिए एक एक करके, 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 अब मैं कंप्लीट कर लूं जी संबित, मैं कर रहा था ये क्या कंप्लीट, मेरी आपकी बात पे जवाब दे संबित 30 सेकंड्स में, मुझे आगे भी जाना, अनिल से बात करनी है, संबित 30 सेकंड्स। देखिए मैं दोनों राहुल जी और प्रियंका जी के सम्मान के साथ कहता हूँ, जब भी इन दोनों को आज जैसे मंच में देखा तो एक ही बात याद आई कि अपने अपने सत्ता को बचाए रखने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं।
अब देखिए केवल एक परिवार को बताएं, देखिए अपनी सत्ता में रहने के लिए तो क्या-क्या हथकंडे अपनाए गए थे। सुमित जी आप छोड़िए, पवन जी नहीं नहीं पवन जी पर्सनल आरोप लगाएंगे, जवाब देंगे पवन जी। मैं मौका दूंगा आपको, मैं मौका दूंगा आपको, इस तरह की टिप्पणी मैं मौका दूंगा आपको, ये मौका दूंगा आपको, इनको ये उम्मीद नहीं है। मैं मौका दूंगा आपको, भी नहीं बोलेंगे सोनिया जी पे, नहीं बोलेंगे राहुल जी पे, नहीं बोलेंगे, आपको पूरा राइट है, हम बोलेंगे, मैं जंदा मामा पे बोलूंगा क्या, मैं मौका दूंगा ना, दोनों को बोलने का अधिकार है, पर एक के ऊपर एक मत बोलिए, दर्शकों के लिए मत बोलिए, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। समित 30 सेकंड्स कंप्लीट। देखिए केवल एक परिवार को बचाए रखने के लिए ये सब जद्दोजहद हो रहा है, वही गांधी क्या आपत्ति है हमारी पार्टी के अंदर। अरे मैं मौका दूंगा, हमारी पार्टी का अपना निर्णय है, नेता मानते हैं। हाँ ठीक है ना, आप कौन होते हैं ये बोलने वाले, आप होते कौन है ये बोलने वाले, वो परिवार है हमारी, हमारी अपनी श्रद्धा है, हमारी पार्टी का नेतृत्व है, हु आर यू, मैं आपके गांधी फैमिली का सर्वेंट नहीं हूँ, मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, कम से कम संघ परिवार से तो बेहतर है। मैं गांधी फैमिली का नौकर नहीं हूँ आपकी तरह। अरे आप इसमें भी गांधी फैमिली का, ये हमारी पार्टी का आंतरिक मसला है, हम अपना नेता मानते हैं, वो हमारा प्रेरणा, मैं नौकर नहीं हूँ, आप कौन है भैया, पवन जी आपकी पार्टी में आए हुए हैं, आपकी पार्टी में और कैलिबर के नेता नहीं, क्यों सब पिछले 10 साल प्रधानमंत्री कौन थे, कोई गांधी था, मनमोहन सिंह जी थे, क्या बात कर रहे हैं आप। अरे पढ़ लीजिए, नेता हमारे यहाँ जितने ज्यादा हैं, जितने अच्छे काबिल नेता हैं, उतने बीजेपी पार्टी अध्यक्ष क्यों नहीं बने, एक उंगली में दिखा मनमोहन सिंह को पार्टी अध्यक्ष क्यों नहीं बना दिया, होता है प्रधानमंत्री ज्यादा महत्वपूर्ण, क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे बताइए, सरकार में तो एक ही आदमी महत्वपूर्ण, एक ही आदमी कौन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, प्रधानमंत्री या पार्टी अध्यक्ष, बिल्कुल सोनिया गांधी इंपोर्टेंट नहीं थी, सोनिया गांधी इंपोर्टेंट नहीं थी, अपनी पार्टी चला रही थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, अरे बिल्कुल कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे, आप लोगों को बड़ी उम्मीद है कि ये रिमोट कंट्रोल एक ही आदमी के हाथ में है, इस सरकार में सुधीर भाई तक को नहीं मालूम डिमोनिटाइजेशन हो गई, वित्त मंत्री बेचारे फोन पे पूछ रहे क्या हो गया, अनिल यादव आप लोग, अनिल यादव सुधीर मधोरिया, सुधीर मधोरिया पहले आप, आपने हाथ उठाया, मैं आता हूँ, मैं इसके बाद, आप इसके बाद जबरदस्ती बीच बीच में बोल के अपना बोलने का मौका लिया, आप मुझे एक बात बताइए, ऐसे विक्टिम मत बनिए, कितनी कितनी सेकंड दी आपने बोलने के लिए, इसके बाद मैं शुरू करता हूँ, अभी आप बताइए शो के बाद कैलकुलेट करने की टेप निकालिए, संपत जी मेरी बात रोक, सुधीर भदौरिया, सुधीर भदौरिया एक बार भी मौका, सुधीर भदौरिया, सुधीर भदौरिया प्रदेश सरकार, सुधीर भदौरिया आपने हाथ उठाया था, सुधीर भदौरिया आपने हाथ उठाया, सुधीर भदौरिया आप बोलना चाह रहे हैं, बोलिए, देखिए लास्ट फ्यू मिनट, मैं समझता हूँ, आज मैं समझता हूँ प्रियंका गांधी इस पर ना बोलकर उन्होंने पूरे महिला वर्ग को निराश किया है, शर्मिंदा किया है, हम उम्मीद करते थे इनका गठबंधन हो सकता है, हो कोई हर्ज नहीं, पर इस तरह की घटना पर मौन रहना ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है, इसके लिए कभी उनको क्षमा नहीं किया जा सकता, गठबंधन तोड़ने के लिए आप ये उनको उकसा रहे हैं, आप खुद बोलिए ना, वो बोलती है बेचारी, तो कल को गठबंधन वाले अगर उनको अलविदा कर देते तो क्या करते वो गठबंधन की जय जयकार कर देते, अरे भाई देते ये देखिए एक एक महिलाओं के अस्मिता का सवाल है, महिला अस्मिता का सवाल है, उनके सम्मान और उनकी इज्जत का सवाल है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना इसकी दल की सीमाएं होनी चाहिए, इस पर हर नागरिक को उतने ही कड़ाई से पेश आना चाहिए, अगर उसके मन में दर्द है महिलाओं के प्रति, गायत्री प्रजापति पर हमला हो रहा है, आप गायत्री प्रजापति मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए ना, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, आप गायत्री प्रजापति के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं समाजवादी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपनी वो आपकी पार्टी के उम्मीदवार हैं, अमेठी में चुनाव लड़ रहे हैं, साइकिल चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं, आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं, गायत्री प्रजापति जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तर्क टिप्पणी की है, आप उनका बचाव करिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप राजा भैया का मामला आपको याद होगा, हमने उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया और उसके बाद सीबीआई जांच हुई और वो बिल्कुल दोष मुक्त पाए गए और उसके बाद उन्हें दोबारा कैबिनेट में वापस लिया गया। आप मुझे एक बात बताइए, जब तक किसी का कोई गुनाह साबित, अरे सुन लीजिए ना, बताइए साहब ऐसे कैसे हो पाएगा, आप सुनेंगे ही नहीं किसी की, अरे भाई उनको आप फिर मैं, अब मेरी बात तो सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप डबल स्टैंडर्ड की राजनीति आप करते हैं, मुख्तार अंसारी अफजल अंसारी को आप ले आए पार्टी में, उसके बाद आप बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त की, ठीक है, तो मैं कह रहा था राजा भैया के ऊपर, और दूसरी बात मैं संबित जी की बात पर जाना चाहूंगा, देखिए बातें कहने सुनने में अच्छी लगती हैं,
ये संबित पात्रा जी ने मेरी उस बात का अभी तक जवाब नहीं दिया है कि क्यों इनके मंत्री रहे, वो क्यों वो सांसद है, क्या कार्रवाई उन्होंने की। और तो और गुजरात में 10 इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महिला से एक से बलात्कार किया, क्यों ये बिल्कुल किया? साक्षी महाराज मुद्दे उठाइएगा ना, साक्षी महाराज और साक्षी महाराज आदित्यनाथ पर सीरियस मुकदमा दर्ज है। नेता को सुनिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष में महिला की फोन टेपिंग जैसे मुकदमे हैं। अरे आपको क्यों बुरा लग रहा है, रक्षाबंधन तो आप मना चुके हैं, तीन बार के बाद चौथी बार आप रक्षाबंधन इनके साथ मना चुके हैं, वो दिख भी रहा है। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की, बुरा आपको लग रहा है? अरे अगर कर लिया है रक्षाबंधन तो मान लीजिए ना, डर किस बात का है? कह दीजिए कि हमारा और भारतीय जनता पार्टी का पैक्ट हो गया है, हम लोग क्या क्या रक्षाबंधन का आपने जिक्र किया? आखिरी कमेंट चाहूंगा पवन खेड़ा में आपसे, क्या प्रियंका गांधी ने भी रक्षाबंधन किया गायत्री प्रजापति के साथ? ये आप लोग मुद्दों से भटकाने की, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ये तो मुझे यही तो मुद्दा है कि प्रियंका किसके ढंग का। अगर मैं आपको निजी तौर पे नहीं जानता तो मैं आप पे आरोप लगाता, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, मैं जानता हूँ आप फेयर व्यक्ति हैं, लेकिन आपके चैनल का ये जो डिबेट है मुझे समझ में आ रहा है ये क्यों और किसके इशारे पे हो रहा है। आरोप है आपके, बिल्कुल है, क्योंकि आप जवाब नहीं दे पा रहे इसलिए। बिल्कुल जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। गायत्री प्रजापति का जवाब अनिल जी देंगे। रही बात प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने आलोचना नहीं की, समाजवादी पार्टी के दर्शकों की राय आपके सामने है, कांग्रेस पार्टी दर्शकों की राय को बायस कह रही है, लेकिन वो आपके सामने राय को नहीं, आपके चैनल को नहीं, आप राय को कह रहे हैं, ये सामने है, ट्विटर पे ट्रांसपेरेंट पोल है, आप करा दीजिए, मैंने किसने मना किया। लेकिन इसी नोट पर इस डिबेट को यहाँ खत्म करते हैं।